काटना शुरू हो गई थी, बट मैं पहले ही गया और ऑलरेडी मेरे दो पैरेंट्स मर चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ये दो भी बेचारे मरे। इसके अंदर ग्रीन टाइगर है, ये वाली शार्क है, और उधर ऊपर वाली ब्लैक वाली भी शार्क है, नीचे वाली को शार्क ही बोलते हैं, नाम नहीं पता, उनकी आंखें निकाल के खा गई। और मेरी दो पैरेट, मेरे पास चार बड़ी पैरेट थी, मेरी दो बड़ी पैरेट भी पता नहीं क्या हुआ ब्लू कलर की हो गई और सारी मतलब हार्ड हो गई, मतलब एकदम मरी हुई मिली मेरे। Hey guys, what's up, क्या हाल चाल, इट्स अबे जेरी, किद्दां कैंट हो सारे। सो कैंट होने चाहिए, सारे होने चाहिए, बट मैं नहीं हूँ। और मैं लाइक लास्ट जो मैंने व्लॉग डाला था, यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, बाइंग न्यू फिशेस फॉर माई एक्वेरियम, उसके दो तीन दिन बाद से मैं कैंट नहीं था और मैं अपने एक्वेरियम की कोई अपडेट भी नहीं दे पाया, बिकॉज हम सबका मूड ऑफ था और रियलिटी में ऑफ था। देखो मेरे को पता, आप लोगों के कई कमेंट आए उस वीडियो में, नेगेटिव भी थे पॉजिटिव भी थे, मेरे को नहीं पता कई चीज़ें, और उन फिश ब्रीडर वाले जो अंकल हैं उन्होंने भी मुझे वो नहीं बताई, बट समहाउ आप लोगों ने मुझे बताया तो मैंने उस चीज़ को कोऑपरेट किया। पहले मैं आप लोगों को अपनी फिशेज, एक्चुअली मेरी उसके अंदर ओस्कर फिश मर गई, और उसके अंदर मेरी मेरे पास जो मेरे बड़े बड़े पैरेट फिशेज थे, जो बहुत सुंदर हो रही थी यार, इतनी बड़ी बड़ी हो रही थी, हाथ के पाम जितनी, मेरी वो फिशेज भी मर गई। वो पता नहीं उनके ना फिन कट रहे थे ना कुछ, वो अपने आप नेचुरली हार्ड होके ब्लू होके मर गई। और जो मेरी ओस्कर फिशेज थी उनके फिन्स काट दिए, किसने काटे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखो उनकी हालत क्या करी ओस्कर फिशेज की। सो ऐसी कुछ हालत हो गई थी इन फिशेस की, ऑस्कर्स की, जो सारे कह रहे थे कि ऑस्कर बहुत बड़ी हो जाती है, स्पेस कम है, पता नहीं यार। मेरे पास तो मतलब ब्लू पाउडर जो लेकर आया था मैं, ब्लू कलर वाली फिशेस, उन्होंने तो मेरी ऑस्कर ही मार दी, उनकी आंखें निकाल के खा गई। और मेरी दो पैरेट, मेरे पास चार बड़ी पैरेट थी, मेरी दो बड़ी पैरेट भी पता नहीं क्या हुआ ब्लू कलर की हो गई और सारी मतलब हार्ड हो गई, मतलब एकदम मरी हुई मिली मेरे को। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अटैक से मरी हो, कोई मतलब अटैक, वो वाला अटैक नहीं, जैसे खून का दौरा रुक जाता है वो वाले अटैक से मरी हो, बट यार फिशेस का अब हमें नहीं पता। सो मैं अभी वो ब्लू पाउडर देकर आया हूँ, जाकर मैं दे आया हूँ लोकल जो मेरे पास यहाँ पे एक्वेरियम शॉप थी, मैं उन अंकल के पास नहीं गया और मैं उनके बदले में उन ब्लू पाउडर्स को दे दिया कि आप देख लेना, सेल कर देना, जो करना कर देना, मैं उनके बदले में और फिशेस ले आया हूँ। सो ये देखो आपको दिख रहा होगा कि मेरे एक्वेरियम के अंदर फिलहाल हरा हरा पानी हो रहा है, तो इसके अंदर मैंने मेडिसिन डाली थी जब मेरी फिशेस स्लो हो रही थी। और जो यहाँ पे ये येलो पैरेट्स लाया था, आप इनके फिन्स देखो दिख रहे हैं कटे कटे से, ये ब्लू पाउडर ने आज काटने शुरू करे थे, मैं ब्लू पाउडर को उठा के दे आया था कि ये बेचारी प्यारी प्यारी सी तो ना मरे। और मेरे पैरेट्स देखो कितने डरे हुए हैं, साइड में बैठे हुए हैं, यू कैन सी हियर, ये देखो इनके फिन्स भी काटने शुरू हो गई थी, बट मैं पहले ही दे आया और ऑलरेडी मेरे दो पैरेट्स मर चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ये दो भी बेचारे मरे, क्योंकि बहुत मुश्किल से यार बड़े होते हैं। और मैंने यहाँ पे देखो ये सारे में दवाई डाली थी, ये दवाई थी जनरल एड, और इसके अंदर नमक डाला था कहने पे, वो जिसको बोलते हैं हम सेंधा नमक, और उससे थोड़ा सा ये दो सही रह गई, ये दोनों नहीं मरी, टच वुड टच वुड। और फिलहाल को यहाँ पे अब दवाई का असर कम हो गया है। सो मैं अभी लेकर आया था वो ब्लू पाउडर दे के, मैं ये न्यू फिशेस लेकर आया था। सो देखो यार मतलब जहाँ मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है और मेरे को गाइड करने वाले भी सही नहीं थे जैसे आप लोगों ने बताया, बट आप लोगों ने बताया मेरे को कि वो पता नहीं कोई कमेंट था कि क्लाइमेट भी एक सही नहीं करा, भी पैकेट डालना होता है पहले एक्वेरियम के अंदर फिशेस को उसमें छोड़ने से पहले। सो मैं आप लोगों की सुनता हूँ, मैं अपनी फैमिली अपने ऑडियंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये देखो मैं न्यू फिशेस जो लाया हूँ, मैंने उनका पैकेट इसके अंदर डाल रखा है, ये छोटा सा पैकेट है, मेरे यहाँ से 500 मीटर भी नहीं होगा, तो उन्होंने छोटे से पैकेट में डाल दी थी ये सारी, भी ले जाओ और डाल दो एक्वेरियम में। इसके अंदर ग्रीन टेरर है, ये वाली शार्क है, और उधर ऊपर वाली ब्लैक वाली भी शार्क है, और नीचे वाली को भी कोई शार्क ही बोलते हैं, नाम नहीं पता, तो बिकॉज यार डॉग्स का ज़्यादा रखता है मेरा, फिशेज का इतना नहीं है, बट यस आई लव देम टू। और मेरे यार वो पैरेट्स बहुत प्यारे लगते हैं, बट ये दो चले गए यार, बहुत माँगता है। सो ये मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी देर से डाल रखी हैं, इसके अंदर बहुत देर से डाली हुई हैं। ये देखो यार मैं ना थोड़ा सा जान के दूर आया अपने एक्वेरियम से, तो मेरी फिशेस जो हैं थोड़ी सी बाहर घूमने को निकली, और पैरेट को आप देख सकते हो फिल्टर के नीचे कैसे कर रही है, और इधर एक और पैरेट बैठी है मेरी, ये भी देखो। सो यार मेरे को बहुत प्यारी है मेरी पैरेट्स, बिकॉज सीरियसली आई लव देम भाई यार, कहाँ मतलब इतनी मुश्किल से बड़ी होती नहीं है यार पैरेट्स जैसे ये हो गई हैं। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो क्या बात है। सो दे आर टू भाई, ये भी अटैक करती हैं, बहुत तेज़ है, बट ठीक है यार, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ये बहुत प्यारी लगती है मेरे को। और मतलब यार कई सालों की मेहनत से ये बड़ी हुई थी, सो अभी भी मैंने इसी के अंदर छोड़ रखे हैं, इनका क्लाइमेट सा नॉर्मल हो जाए। आप लोगों ने मेरे को बहुत अच्छी चीज़ समझाई थी और मैं उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। और मैं अभी सडन फिशेज उठा के लाया था और मेरा कोई प्लान नहीं था,
भाई इनका व्लॉग बनाने का, बट मैंने सोचा कि मैं कल को अपना एक्वेरियम दिखाऊंगा तो आप लोग कहोगे ओस्कर कहाँ गई, ब्लू पाउडर कहाँ गई, है ना। तो अभी भी मेरे को यार मतलब मूड इतना अच्छा नहीं है कि मैं न्यू फिशेज लेकर आया हूँ, बिकॉज यार वो मरती हैं ना तो अच्छा नहीं लगता जब उनको खुद ऐसे सीवेज में जाकर डालना पड़ता है या रिवर में जाकर डालना पड़ता है। ओस्कर्स मेरी ऐसी हालत में हो गई थी, आंखें निकल गई, पूंछ खा ली, फिंस खा लिए, कि मेरे को उनको अपने इधर जो बाहर ये नाली चलती है घरों के बाहर तो वहाँ सीवेज में डालना पड़ा मुझे उसे, और ओस्कर की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई थी। और जो डेड थी मेरी फिशेस, देखो मेरे को पता है ये वाटर बॉडीज़ में आती हैं फिशेस, बट मैंने उनको मिट्टी में दबा दिया, देखो ठीक है, जहाँ मेरा दिमाग काम करा, मेरे घर को का दिमाग काम करा, सीधा बोलना, स्वस्थ बोलना, कोई गलत कमेंट मत करना, ठीक है। मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ और मैं उसका गलत रिप्लाई दूंगा तो वो बेटर नहीं होगा, राइट, यू नो वेरी वेल कि जब बंदा ऑलरेडी डिस्टर्ब है सो उसको और मत उकसाओ आप। बट मैं फिर भी न्यू फिशेस ले आया हूँ क्योंकि हमारा एक्वेरियम खाली लगता है, तो मम्मी आशी माम सबका ना दिल मतलब यार थोड़ा होता रहता है, तो अभी ये लेकर आया हूँ। ये ब्लैक ब्लैक है नहीं, प्यारी सी कुछ कुछ मुझे आ रही है इसकी मुझे, सो उनको भी खिला पिला के हम तगड़ा कर देंगे यार, कोई चक्कर नहीं है। बस ऐसे ऐसे पैरट्स की कमी है यार, मेरे को पैरट ऑरेंज पैरट्स और चाहिए, मैं लेकर आऊँगा ऑरेंज पैरट्स अगर हो सका तो। येलो आर गोइंग गुड, बट ऑरेंज की तो यार बात ही नहीं रही है। अपना जफर इधर बैठा हुआ है, सुल्तान उधर बाहर ही है एज यूजुअल बांधा हुआ है क्योंकि नीचे जिम की क्लास चल रही है और कोई भी ऊपर आ सकता है घर में। और मेरा व्लॉग बनाने का कोई प्लान नहीं था, देखो मैं निक्कर के अंदर हूँ, निक्कर के अंदर हूँ, टी शर्ट डाल रखी है और बड़ा रिलैक्सिंग डे मना रहा था मैं अपना। सो आशिमा अपना वर्कआउट करने गई हुई है, आशिमा आ जाती है, आशिमा कैमरा होल्ड करेगी, फिर मैं इन फिशेज को एक्वेरियम में रिलीज़ करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा ज़रूर, क्योंकि मेरा मैं अभी बता रहा हूँ मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं था, बट आप लोग मेरी फैमिली हो, आपको सारी अपडेट होनी ज़रूरी है। तो फिलहाल मैंने आपको बताया अब आशिमा आ गई है, आशिमा बोल दे हेलो गाइस, हेलो गाइस। सो आशिमा का आती है तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है माहौल। सो इन फिशेज का क्लाइमेट आई थिंक सो बन गया होगा, काफ़ी देर से रख रखा है मैंने, और पानी बहुत रिफ्रेशिंग सा लग रहा है, कोई स्मेल नहीं आ रही, क्योंकि जब मेरी फिशेज मरी तो मैंने पानी चेंज करा और दोबारा से दवाई डाल ली थी जनरल एड, और अभी इनको इनके साथ रिलीज करते हैं। और प्लीज आशिमा कैसी लगी हुई ये वाली फिशेस? बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। आशिमा का वहाँ पे भी मन था शार्क लेने का, बट मैंने लेने नहीं दी थी, बट वही बात है कहना बच्चों की भगवान सुनते हैं। सो फिलहाल शार्क आ गई, चलो एक पॉजिटिव है मैं नेगेटिव में जैसे भी आ गई, और मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखो कि मतलब इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया था हमारे एक्वेरियम का। आई होप आपको सिनेमैटिक शॉट्स अच्छे लगे होंगे, क्योंकि पतली प्यारी सी है पेंसिल जैसी शार्क है ये, ऑरेंज फिंस वाली, और ये बहुत सुंदर लगती है ग्रीन टायर, देखो कलर चमक रहा है ना इसका ब्लू ब्लू, और स्किन फिन के ऊपर इसके स्किन आ रही है ऑरेंज कलर की, और ये पैरेट आ गया है यहाँ पे फुटेज लेने, और ये देखो आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे पुल था, यहाँ पे पॉट था फ्लावर वाला, जिसने नहीं चेक करा मैं बोल रहा हूँ आई बटन में मेरा एक्वेरियम का है वो चेक करो, बट मैंने सारा हटा दिया था, अभी एक बार चेक करें कि कौन सी फिश किसको काट रही है, ताकि ये पता तो लग सके कि इनके अंदर इल एलिमेंट कौन सा है और उसको निकाल सकूं मैं। अभी के लिए देखो यार मतलब इतना प्यारा हो गया है ना, टच वुड, देखो ये तो शार्क है, ओई कैसे मुंह खोल रही है आगे से सो बहुत प्यारा है यार ये, पास से देखना ऐसे। और इधर देखो इधर ये है एक्वेरियम का ग्लास, थोड़ा साफ नहीं है आई थिंक सो, तो वैसे लग रहा है देखो ग्रीन टार कितनी प्यारी आ रही है, मेरा पैरटू, मेरे पैरटू, मेरे पैरटू, आई लव यू, ऐसे ऐसे होने चाहिए। ये मेरा येलो पैरटू देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया, व्लॉग में देखा होगा छोटा सा था बड़ा हो गया, अच्छी फीड मिल रही है अगले को, अगला अच्छा खाना खा रहा है। तो देखो पीछे से वो पेंसिल से घूमने जा रही है, बहुत प्यारी लग रही है, बट देखो यार भगवान कितनी लंबी उम्र रखता है इनकी। और ये माय गॉड कितनी ब्यूटीफुल है ना ये वाली शार्क, रेड कलर की बड़ी प्यारी सी है। ये मैंने वहां आशिमा, पे लेने के लिए आशिमा भी मेरे से मोटिवेटेड है, जबर से मोटिवेटेड, आशिमा भी वेट लूज कर रही है, और आशिमा को आप लोग जल्दी देखोगे पतले लुक में, है ना आशिमा क्या? मैं आलू के पराठे छोड़ दूंगी और आलू बनना भी सो सिनेमैटिक शॉट्स कैसे लगे कमेंट कर देना, और थोड़ी सी यार थोड़ी सी इंसानियत दिखा के, मेरे प्रति प्यार दिखा के प्यारा सा कमेंट डाल देना बॉक्स के अंदर कि मे गॉड ब्लेस योर फिशेज विद लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी लाइफ।
खुशी मिलती है यार। मान लो डॉग्स के अंदर जान है, इनके अंदर भी तो जान है, इनको सैर नहीं करा सकते, इनके साथ टिप्स ट्रिक्स नहीं खेल सकते, इनके साथ कोई फालतू एक्टिविटी करके व्लॉग नहीं बना सकते, इनको कहीं बाहर नहीं लेके जा सकते, बट सुबह शाम इनको खाना डालते हैं, दिल तो हमारा जुड़ा होता है ना। मैं गलती से गलत टॉर्टोइज़ वो टर्टल्स गलत ले आया था मैं, और वो मेरे को देने पड़े थे वापस, मतलब मैं उसको ऐसी जगह नेचुरल हैबिटेट में छोड़ के आया था रिवर में, मेरे को पता है वो मैंने कैसे दिए थे, जस्ट बिकॉज कि मेरे ऊपर वाइल्ड लाइफ वालों का केस ना हो जाए। मैंने व्लॉग बनाया हुआ उसका, बट वो मैं अब दे चुका हूँ, आप देख सकते हो मेरे एक्वेरियम के अंदर वो टर्टल्स भी नहीं है, कहीं नहीं है पूरे एक्वेरियम में। इसीलिए दिया है कि घर वालों ने उसके कमेंट्स चेक करे थे व्लॉग के, और उनको डर था कि मुझे कुछ ना हो, तो इसलिए मैंने दे दिए। आप लोग अपना प्यार दिखाना और इनके लिए गुड विशेस लिखना, इससे ज़्यादा मुझे इस कमेंट में कुछ नहीं चाहिए, इस व्लॉग में जस्ट आपका कमेंट चाहिए जिसके अंदर इनकी लॉन्ग लाइफ का कमेंट हो, ठीक है। सो ये था आज का व्लॉग, बड़ा छोटा सा व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया होगा, मेरी भूल चूक माफ़ करना जो फिशेज़ के प्रति मेरे से हुई हो। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।